Yes, student. Next topic of the working of institutions, class 9th civics is Prime Minister. In the before it, we should recall about the last video also. We have done permanent executive and political executive. And Prime Minister is important part of political executive. So political executives में Prime Minister we will learn today about the power of Prime Minister and how election of Prime Minister is had elected कैसे इसको elect किया जाता है choose किया जाता है. So these things we will learn in this video. Starting from Prime Minister. Prime Minister no direct elections. Prime Minister क्या है हमारी गुड जो मेजर जो पावरफुल जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो कौन है आपके प्राइम मिनिस्टर हैं. वो प्राइम मिनिस्टर को क्या है कि डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट नहीं किया जाता है. रीजन वाज दैट कि जो भी लोकसभा हमने लर्न की है कि लोकसभा में जो भी मेजोरिटी क्रिएट करता है जो भी किसी भी पार्टी ने मेजोरिटी ली है तो लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स किसकी होती है अकॉर्डिंग टू दिस की 545 क्या है आपकी लोकसभा की सीट्स हैं. इसमें क्या है कि इतने पर्सन इलेक्टेड है जो हमने डायरेक्टली इलेक्ट किए हैं लोकसभा के मेंबर्स को. सो यही लोग इनमें जो मिनिस्टर जो भी कैंडिडेट मेजोरिटी गेट करता है ही विल बी प्राइम मिनिस्टर. सो इसको क्या है कि वो लोग खुद जो प्रेसिडेंट है वो उनको अपॉइंट करते हैं बट जितने भी लोग हैं वो अपनी मेजोरिटी से प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं इलेक्ट करते हैं कि हम इस कैंडिडेट को हमारा क्या है कि मेजोरिटी गिवन करते हैं कि जिसको भी उस पार्टी में जो भी पार्टी विनर है वो विनिंग पार्टी में क्या होगा कि जिसको भी मेजोरिटी मिलती है ही विल बी प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि क्या एक टाइम में ही कोई भी पार्टी है मान लो कई बार क्या होता है कि हमने बीजेपी है कांग्रेस है तो इन पार्टीज में क्या है कि कई बार क्या होता है कि कॉलिजन आता है. कॉलिजन में क्या होता है कि कई बार कोई भी पार्टी है उसको मेजोरिटी नहीं मिल पाती है तो इसको साथ में क्या है कि एक पार्टी और आती है और इनके साथ में क्या है सपोर्ट करती है विथ मेजोरिटी. वो लोग क्या है कि वन प्लस वन कि एक पार्टी थी पहले और दूसरी पार्टी उसको क्या है एड होकर उसमें कॉलिजन करके वो उसको क्या है मैक्सिमम लेवल पर लाती है मेजोरिटी करती है. तो इस बेस पर क्या है कि या तो वो खुद के बेस पे भी इलेक्टेड हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर कि एक ही पार्टी थी और उसी ने मेजोरिटी हासिल कर ली है इलेक्शन के थ्रू और उन्होंने अपना जो कैंडिडेट था उसको क्या है मेजोरिटी देकर क्या बना दिया है प्राइम मिनिस्टर. सो मेनी टाइम्स ये क्या होता है कि अभी जैसे शिवसेना और बीजेपी का था इनका तो इन्होंने क्या किया था कि शिवसेना ने बाद में क्या कहा है कि वी आर टेकिंग अ स्टेप आउट कि अगर हमारे अकॉर्डिंग अगर प्राइम मिनिस्टर वगैरह नहीं करते हैं वर्क तो इससे क्या होगा कि वो अपना स्टेप बैक ले लेते हैं. बट ये चीज़ें हमारी क्या है आगे आएंगी. सो यहाँ पर हमें क्या लर्न करना है कि जो भी पार्टी मेजोरिटी में किसी भी कैंडिडेट को रखती है जो विनिंग पार्टी है उसके जो मेजोरिटी पर्सन जिसको मिलता है वो क्या बना दिया जाते हैं प्राइम मिनिस्टर या फिर इसको क्या है कि कॉलिजन के थ्रू कोई भी टू पार्टी क्या है आपस में अपना गठबंधन कर लेती है कॉलिजन करती है और उस बेस पर वो किसको मेजोरिटी गिवन करती है उसी कैंडिडेट को क्या बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर विद सपोर्टिंग ऑफ ईच अदर. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. नाउ मेजोरिटी क्या है किसी भी कैंडिडेट ने गेट कर ली है लोकसभा में. अब प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है अपॉइंट करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी तो क्या है इलेक्ट कर दिया गया है बट प्रेसिडेंट उसको क्या है कि नॉमिनेट कर देते हैं कि इस पर्सन को मेजोरिटी के लिए लाया गया है तो ये पर्सन अब क्या होंगे प्राइम मिनिस्टर. तो इसको क्या है अपॉइंट कर दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट. लीडर्स ऑफ मेजोरिटी पार्टी और कोलिजन पार्टी इज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर. दिस थिंग वॉज अगेन अकॉर्डिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑल्सो कि जो मैंने अभी बताया कि कोलिजन होता है या फिर मेजोरिटी पार्टी कोई भी वो लीडर जो उस पार्टी में जो अभी विनिंग में आई है कॉलिजन में है बोथ कैन इंक्लूड ये क्या है कॉलिजन के थ्रू भी और खुद की जो पार्टी है उसके मेजोरिटी बेस पर भी हम किसको इलेक्ट हमारा कौन इलेक्ट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर. और कैसे इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली. प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई डायरेक्टली वोटिंग नहीं हुई है सो इसीलिए क्या है इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया. प्रेजिडेंट इनको अपॉइंट करता है ये कॉलिजन और खुद की जो मेजोरिटी पार्टी है कोई भी सिंगल पार्टी वो भी मेजोरिटी बेस पर क्या है इलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट ही सी कंटिन्यूज टू बी पावर सो लॉन्ग एज ही सी रिमेन्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी इन पार्टी. सो ये क्या है कि इसमें हमने ऐसे क्यों कहा ही और सी बिकॉज ही कैन बी
लेडीज भी हो सकती है, तो इसलिए हम क्या है कि स्पेसिफिकली ये नहीं कहेंगे कि जेंट्स ही होते हैं, लेडीज ही होती है, तो ये यहाँ पर क्या है कि बोथ कैन बी, तो ही और सी कंटिन्यूस, इनकी ये कंटिन्यूअसली लॉन्ग टाइम के लिए पावर में कब रहेंगे, एज लॉन्ग एज ही और सी रिमेन्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी। अगर इनको मेजोरिटी मिली रहती है किसी भी लीडर को, जैसे मैंने अभी बताया है किसी भी मिनिस्टर को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है किसी भी कैंडिडेट को, तो वो क्या करेंगे कि अगर जब तक उनकी मेजोरिटी बनी रहती है, उनके फेवर में मेजोरिटी बनी रहती है पार्टी की, तब तक वो क्या रहते हैं प्राइम मिनिस्टर के जो सीट है उस पर बने रहते हैं। रीजन दैट कि यहाँ पर मैंने कहा कि मेजोरिटी क्योंकि जब तक वो चाहते हैं, इट मीन्स कि मैं कॉलिजन गवर्नमेंट है, कॉलिजन में क्या होगा कि जो स्पॉटिंग के लिए जो दूसरी जो पार्टी आई है ये क्या थी, बीजेपी। फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग यू ये क्या है शिवसेना, अगर बीजेपी के साथ में कौन आई है शिवसेना और दूसरी पार्टी आई है, तो शिवसेना क्या चाहेगी कि जो नरेंद्र मोदी, मिस्टर नरेंद्र मोदी को जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, ही शुड बी डू वर्क अकॉर्डिंग टू अस आल्सो। जो मेजॉरिटी में जो कोलिजन गवर्नमेंट आई है वो क्या कहेगी, कोलिजन जो पावर आई है वो क्या सोचेगी कि हमारे अकॉर्डिंग भी हमें क्या करना चाहिए, जो प्राइम मिनिस्टर है उनको वर्क करना चाहिए, तभी हम क्या है मेजॉरिटी पावर बनी रहेगी। और सेकेंडरी ये क्या था कोलिजन के लिए, अगर कोई भी अपने बीजेपी, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी क्या है ऑन द बेसिस ऑफ इटसेल्फ, खुद के बेस पर मेजोरिटी देकर किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाया है, इट मींस क्या होगा कि वो खुद वो पार्टी के कैंडिडेट जो अदर मिनिस्टर्स हैं, दे आल्सो वांट टू डू प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल सिस्टम, कि जो वो लोग खुद चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग वो काम करे, उनसे सपोर्टिंग सिस्टम ले, उनकी बातों को भी क्या है मायने दिए जाए, तभी किसी भी पार्टी में वो कैंडिडेट मेजोरिटी बनाकर रख सकता है, वो लीडर मेजोरिटी बनाकर रखेगा तो वो प्राइम मिनिस्टर के पद पर क्या रहेगा, बना रहेगा। आई होप दिस पॉइंट्स हैव क्लियर फॉर यू। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इलेक्शंस अपॉइंटमेंट एंड व्हाट इज द मेजोरिटी ही शुड और सी शुड बी गेट। सो नेक्स्ट इज पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये क्या था प्रोसेस था कि कैसे उनको इलेक्ट किया जाता है, कैसे वो अपने जो पावर है उसमें बने रहते हैं। नेक्स्ट आता है पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या है। प्राइम मिनिस्टर चेयर्स द कैबिनेट मीटिंग्स। जितने भी कैबिनेट मीटिंग्स होती है उनमें हेड पर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। कोऑर्डिनेट करेंगे, कोऑर्डिनेटर होंगे, टेक फाइनल डिसीजन, जितने भी डिसीजन लेने हैं रिलेटेड टू मेकिंग लॉ, ओके, ऑल द टाइप्स ऑफ डिसीजंस विल टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमें पता है कि कोई भी लॉ क्रिएट किया जाता है पहले बिल लाया जाता है, आफ्टर दैट इट विल बी द लॉ। सो जो कैबिनेट की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं देयर इज फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर। ऑल मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिज लीडरशिप। जितने भी पार्लियामेंट में, जितने भी लोकसभा में हैं, जितने भी लोग वहाँ बैठते हैं, दे विल वर्क इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन वर्क कैन डिसमिस मिनिस्टर्स ऑल्सो, कि उनके जो वर्क हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा जो स्कूल है उसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्क टू द अदर टीचर्स, ओके, तो वहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है, वो किसके थ्रू किया जाता है, हेड के थ्रू, एंड दिस इज प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके अंडर वर्क करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन जो भी वर्क का करना है या रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है वर्क का, दीज ऑल थिंग्स विल बी डन बाय प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट कैन डिसमिस द मिनिस्टर्स। अगर ऐसा लगे प्राइम मिनिस्टर को कि कोई भी क्या है कि अपने वर्क का अकॉर्डिंग टू द सिस्टम नहीं कर रहा है, इन द फेवर ऑफ द कंट्री नहीं कर रहा है, तो कुछ भी रिएक्शन अगर उनका रॉन्ग लगता है, देन प्राइम मिनिस्टर कैन डिसमिस दैट टाइप ऑफ मिनिस्टर्स आल्सो। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन सिस्टम है उसकी मेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को। इसको क्या कहा जाता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज, मीडिया इन्फ्लुएंस द पावर ऑफ पीएम। वी
अकॉर्डिंग टू हिम और हर ही कैन डिफाइन इटसेल्फ. लिसन, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, अगर उनको ये लगता है कि जो हमने मेजोरिटी देकर जो लीडर को प्राइम मिनिस्टर क्रिएट किया है, बनाया है, वो क्या है कि गुड वर्क कर रहे हैं, देन पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, प्रेज करते रहेंगे कंटिन्यूअसली. सो इससे क्या होगा कि जो अफेक्शन है, जो इफेक्ट होगा, जो उस बंदे का, जो लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जिसको बनाया गया है, तो उसकी पावर क्या है, नेचुरल रूप से क्या है, और ज्यादा इंक्रीज होती है, और उसका जो फेम है वो क्या है, और भी ज्यादा इंक्रीज होता है. तो पीएम की जो पावर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने में बहुत बड़ा पार्ट किसका होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का. सेकेंडरी, मीडिया. पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या है, इन्फ्लुएंस डाला कि इनकी इमेज ऐसी है तो ये ऐसे हैं. रीजन इज दैट कि कोई भी इतना अच्छा हाई फाई अगर वर्क करता है जो कंट्री के पक्ष में है, कंट्री के वेलफेयर में है, लोगों के लिए है, सो वो इमेज क्या है, गुड इमेज है. अगर किसी भी प्राइम मिनिस्टर के अपोजिट अगर गलत रिएक्शन आता है, देयर विल बी इन्फ्लुएंस बाय मीडिया ऑल्सो. अगर पॉलिटिकल पार्टीज प्रेज करती हैं तो मीडिया भी प्रेज करेगी, मीडिया में भी उस जो वो पर्सन है उसके बारे में क्या है, मोर प्रेज करके उनके जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज करके दिखाया जाएगा. सो दीज थिंग्स बोथ, ये दोनों ऐसी जो इन्फ्लुएंसिंग सिस्टम है कि ये दोनों किसी भी जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पावर को क्या है, इंक्रीज डिक्रीज, उनके लिए मेजोरिटी गिवन करना, दैट आर इन्फ्लुएंसिंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड मीडिया. नेक्स्ट, द एक्सटेंट ऑफ पावर ऑफ पीएम डिपेंड्स अपॉन होल्डिंग पर्सन. मेन थिंग इज दैट कि आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, ऐसा तो है नहीं किसी को भी बना दिया, हम गए हमें प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वी आर एलिजिबल, बट यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज यू आर अंडर एज. ओके, सो स्टूडेंट्स जो आपकी एज है वो अभी इस लेवल पे नहीं है, बट क्या है कि डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन कि जो इमेज है, किसी को भी लीडर मेजोरिटी गिवन की गई है बट वो अपनी इमेज खुद क्रिएट करेगा. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया है इंदिरा गांधी जी का. मिसेज इंदिरा गांधी ने क्या किया था, वो एक बहुत अच्छी प्राइम मिनिस्टर बनकर रही थी, उनके जो वर्क्स थे उनकी प्रेज आज तक होती है. तो ये चीजें क्या करती हैं, मायने रखती हैं. ये जो पर्सन होल्ड करता है इस सीट को, जिसने ये सीट होल्ड की है, डिपेंड ऑन दैट पर्सन कि हाउ ही और सी परफॉर्म. ओके, ये जो पावर्स हैं, जो एक्सटेंट ऑफ पावर है पीएम की, उनको कौन शो करेगा, जिस पर्सन को दिया गया है, क्या उसमें वो टैक्ट है कि वो उस पावर को अच्छे से यूज कर सके, दैट इज डिपेंड ऑन दैट पर्सन ऑल्सो. पावर इन कोलिजन पॉलिटिक्स, डाउन कैन बी अप कैन बी, देयर इज टू रीजन. पावर जो प्राइम मिनिस्टर की है वो डाउन क्यों दिखाई है मैंने, रीजन इज दैट कि मैंने अभी बताया था कि दो पार्टीज जब मिलती हैं तभी क्या होता है, कॉलिजन होता है. कॉलिजन होने के बाद क्या होता है कि दूसरी पार्टी, जो पार्टी पहले मेजोरिटी में थी, वो किसी और पार्टी के सपोर्ट के साथ कॉलिजन में आके मेजोरिटी गेट की, और तब प्राइम मिनिस्टर को क्या है, इलेक्ट किया गया है. इट मीन्स क्या है कि जो कॉलिजन गवर्नमेंट है और जो पहले से मेजोरिटी में है, इफेक्ट किसका रहेगा, दोनों पार्टीज का. ये दोनों पार्टीज क्या करेंगी, जो पार्टी कॉलिजन में आई है, जैसे कि ए और बी, मैंने बोला है कि ए के साथ बी मिली है, तो अगर ए पार्टी के कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है, देन बी व्हाट्स इट्स वांट, क्या है इसकी नीड, क्या होगी, क्या चाहेगी ये चाहेगी कि जो हमारी पार्टी के, अगर इनकी पार्टी के अगर पावर में प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इट मीन्स वर्क शुड बी अकॉर्डिंग टू अस, कि जो दूसरे जो लीडर्स हैं वो इलेक्ट किए जाएंगे, मैक्सिमम शुड बी फ्रॉम आवर पार्टी. सेकेंड थिंग कि जो पावर है, जो प्राइम मिनिस्टर के जो डिसीजन होंगे, दैट शुड बी आफ्टर डिस्कशन विद अस. सो ये थिंग्स क्या करती हैं कि जो इंडिपेंडेंट पावर है प्राइम मिनिस्टर की, दैट हैज गॉन डाउन ड्यू टू द कॉलिजन गवर्नमेंट. ओके, और ये क्या है कि डाउन जाने का मेन रीजन ये होता है कि वहां पर इंडिपेंडेंटली जो भी रिजल्ट लेना होता है, जो भी डिसीजन लेना होता है, दैट
Prime Minister is not able to take these decisions. Okay, so यहाँ पर power हमने किसकी की है? Prime Minister की. So students, these are the powers of Prime Minister that can be go down, that is depend on that person also. Next topic is Council of Ministers. Next point is Council of Ministers. Now we will learn about Council of Ministers. President appoints Council of Ministers on basis of advice of Prime Minister. So जैसे ही Prime Minister advice करते हैं, so उनकी जो power है, उसमें भी हमने read किया है कि that right has given by और power जो है ministers को elect करने के लिए जो Prime Minister के पास है, तो मैं Prime Minister क्या करते हैं, advice करते हैं different different types के जो ministers हैं उनके लिए. तो President क्या करते हैं, appoint करते हैं और किसकी advice के according करते हैं, Prime Minister. जो Council of Ministers है, उसमें ministers को Prime Minister advice करते हैं और President क्या करते हैं, appoint. From his own party or from the coalition party. कि जो भी coalition party है, कोई भी partner है इनका, so उस base में या तो कोई single government है जिसको majority मिली हो, उस base में से उन में से उनकी खुद की party में से इन ministers को elect किया जाता है. Otherwise, अगर किसी भी party के through combination के through अगर हुआ है, A plus B अगर कोई भी party है, दोनों parties के through ये क्या हुई, ए क्या थी, खुद की जो ओन पार्टी अगर कोई आप प्राइम मिनिस्टर की बोलो, और सेकेंडरी क्या आती है, कॉलिजन, कि जिसके कॉलिजन के बेस पर क्या है कि मेजोरिटी गवर्नमेंट में आई है. सो कॉलिजन का पार्टनर होता है इनमें से, दोनों में से किसी में से भी मिनिस्टर्स को इलेक्ट किया जा सकता है. दे मे बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ पर्सन हु इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. प्राइम मिनिस्टर जिसको भी कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं, कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, उनमें क्या है कि या तो वो मेंबर होना चाहिए, ऑलरेडी मेंबर हो पार्लियामेंट का, अदरवाइज अगर वो पर्सन कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का ना भी हो तो भी क्या है कि उसको मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर. बट ये नहीं है कि उसको कभी भी इलेक्ट होने की नीड नहीं है, मिनिस्टर्स फिर बनते ही क्यों हैं. सो यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि अगर वो पार्लियामेंट का ही मेंबर नहीं है तो हाउ कैन यू इंक्लूड देम इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो इसके लिए क्या है कि जो भी ही और सी जिसको भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इलेक्ट किया गया है बाय एडवाइस किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर और अपॉइंट किया गया है बाय प्रेसिडेंट. सो जो भी किया गया है, इलेक्ट किया गया है पार्लियामेंट में, उनको जैसे ही मिनिस्टर का के लिए क्या है इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंटमेंट के बाद जस्ट अपॉइंटमेंट के बाद की 6 मंथ का टाइम गिवन किया दिया जाता है कि वो एज ए मिनिस्टर इलेक्टेड हो. अगर वो 6 मंथ में पार्लियामेंट में इलेक्ट नहीं होते हैं किसी भी लेवल पर, तो उनको क्या है कि दोबारा से डिसमिस कर दिया जाता है. सो स्टूडेंट्स, यू शुड हैव रिमेंबर दिस थिंग, अगर कोई भी मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंक्लूड किया गया और वो क्या है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, सो उसको 6 मंथ के अंदर क्या करना पड़ता है, टाइम गिवन किया जाता है कि इन 6 मंथ पार्लियामेंट का जो मिनिस्टर है, जो पावर है उसके क्या है कि जो पर्सन को, जिस भी पर्सन को मेंबर बनाया गया है पार्लियामेंट का, उसको मिनिस्ट्री क्या है इलेक्टेड होना ही कंपल्सरी है, अदरवाइज उसको क्या है कि 6 मंथ में वहां से डिसमिस कर दिया जाता है. नेक्स्ट आता है, इट इज अ बॉडी ऑफ 60 to 80 मिनिस्टर्स एट डिफरेंट रैंक्स. कि डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स दिए जाते हैं किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, बिकॉज वी हैव लर्न अबाउट दैट कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो वर्क्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है मिनिस्ट्रीज का, वो क्या होता है कि उनके रैंक के अकॉर्डिंग गिवन किया गया है. 60 to 80 मिनिस्टर्स ऐसे होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होते हैं. फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेकेंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज, थर्ड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर वी हैव लर्न अबाउट द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑल्सो. कि टॉप लेवल लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, जितने भी टॉप लेवल के जो लीडर्स होते हैं, दोज दैट दीज पर्सन्स विल कम अंडर द रूलिंग पार्टी. ओके, और ये किसमें आएंगे, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स कहा जाएगा. इनमें कौन कौन आते हैं, जैसे कि आपके होम मिनिस्टर्स हो गए, प्राइम मिनिस्टर खुद कैबिनेट मिनिस्टर्स को क्या है इलेक्ट करते हैं, और जितने भी आपके हाई लेवल के फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह सारे इसके अंदर क्या है कि हायर जो लेवल है वो आपके किसमें आते हैं,
टॉप लेवल लीडर्स। नेक्स्ट आता है इंचार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्रीज। जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, दे विल इंचार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्रीज। जो स्पेशल जो पद हैं, जो हायर, जो मेजोरिटी बेस जो क्रिएट किए जाते हैं, जो मेजर पद होते हैं, वो किसको दिए जाते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स को। नेक्स्ट आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मतलब क्या हुआ कि ये लोग क्या है कि मेजर पार्ट प्ले करते हैं, बट ये क्या है, इंडिपेंडेंटली चार्जेस होते हैं इनके बाद पास, और इनको क्या किया जाता है कि स्मॉलर मिनिस्ट्री दी जाती है इनको, इंचार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्री एंड पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशल इनवाइटेड। क्या हो जाता है कि इनको हर बार, ये जो मेंबर्स हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, विल इंक्लूड इन एवरी कैबिनेट मीटिंग या जो फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, एवरी मीटिंग दे विल इंक्लूड बिकॉज दे हैव द मेजर पावर। ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंचार्ज, इंडिपेंडेंट इंचार्ज, इसमें क्या है कि इनको कभी कभी बुलाया जाता है जब इनकी स्पेशल नीड कंसर्न होती है कि यस हमें इस टॉपिक के लिए इंडिपेंडेंट चार्जेस को हमें क्या है बुलाना चाहिए। सो वहीं पर तभी ये लोग उस मीटिंग में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स। दे आर अटैच्ड टू विद द पोर्टफोलियो टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स। कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, ये क्या है कि असिस्ट करते हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं असिस्ट करते हैं किसको, कैबिनेट मिनिस्टर्स को। कैबिनेट मिनिस्टर्स के जितने भी वर्क होते हैं, अगर वो एक्स्ट्रा वर्क है तो वो किसको गिवन किए जाते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स को। वहां पर इनकी हेल्प ली जाती है, जितने भी वर्क होते हैं पोर्टफोलियो रेडी कर दिया जाता है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स को असिस्ट करना है इन इन एरियाज में। वो कौन करता है मेजर वर्क, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। सो दीज आर द थ्री पार्ट। सो ये तीनों पार्ट आपके क्या होते हैं कि 60-80 मिनिस्टर्स होते हैं जो इन टोटल्स में आते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, और थर्ड इज मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स। एक आता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो टोटल है वो किसके थ्रू ड्राइवन है, किसके थ्रू ड्राइवन किया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के थ्रू। इसीलिए कहा गया है कि जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जो कैबिनेट ने उनको रिजल्ट दिया, डिसीजन दिया, दैट इज गिवन बाय अवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो देती है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट का एवरी वर्क इज डन बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स मेजरली। सो दीज आर द मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। In this council of ministers, there are different type of ministers and work are different also. These minister of states and cabinet ministers are doing work jointly. Okay, they are doing work together. ये इनको क्या है, assist करते हैं। Assist कौन करता है, ministers of state to कैबिनेट। कैबिनेट का जो वर्क है दैट विल बी डन बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद द हेल्पिंग सिस्टम। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट पॉइंट विल बी कंटिन्यू। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस वीडियो।